हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल माइंड ब्लोइंग इंजीनियर पॉइंट। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके अगले वाले वीडियो में, यानी पहले वाले वीडियो में, हम लोगों ने देखा था कि एलईडी मॉनिटर क्या होता है, इसके एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज हमने देखा था। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। तो चलिए वीडियो को इसी के साथ शुरू करते हैं। सीपीयू, द सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह जो है स्टैंड्स होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, यानी सीपीयू इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर। यह जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके कंप्यूटर का पार्ट है। विदाउट सीपीयू यू कैन नॉट डू एनी वर्क। सीपीयू एक ऐसा हार्डवेयर और इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, जिसके बिना आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। यानी इसके बिना आपका कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज कंप्यूटर प्रोसेसर। सीपीयू को, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके बिना आपका कोई भी ऑपरेशन डन नहीं होगा कंप्यूटर। द स्पीड ऑफ सीपीयू इज वेरी हाई। इसका स्पीड जो होता है बहुत ही तेज होता है, बहुत ही फास्ट होता है। All data is processed and handled by CPU with very high speed. कोई भी डाटा हो, कोई भी ऑपरेशन जो होता है, बहुत ही फास्टली डन होता है CPU के द्वारा, उसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। एग्जीक्यूट मतलब डाटा पर को ऑपरेट किया जाता है, सॉल्व किया जाता है CPU के द्वारा बहुत ही फास्टली। Therefore, it is called brain of computer. ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हमने अभी बताया था कि इसी के द्वारा, सीपीयू के द्वारा ही डाटा को प्रोसेस किया जाता है और बहुत ही फास्टली प्रोसेस किया जाता है, इसलिए इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। द स्पीड ऑफ सीपीयू इज 4.77 मेगाहर्ट्ज। इसका स्पीड जो होता है 4.77 मेगाहर्ट्ज जो होता है, इस स्पीड से यह काम करता है। डाटा एक्सेस्ड डायरेक्टली फ्रॉम रैम मेमोरी फॉर प्रोसेसिंग। यह जो है सीपीयू डाटा को डायरेक्टली एक्सेस करता है रैम मेमोरी से, उस पर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। बट द स्पीड ऑफ सीपीयू इज हाई देन द रैम। रैम मेमोरी भी बहुत ही फास्ट होता है, लेकिन सीपीयू की अपेक्षा स्लो होता है, इसलिए देयरफॉर ए कैच मेमोरी इज यूज्ड बिटवीन सीपीयू एंड रैम टू मैनेज द स्पीड ऑफ बोथ सीपीयू एंड रैम। एक कैच मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में एक छोटा सा चिप लगा होता है, जिसे हम कैच मेमोरी कहते हैं। कैच मेमोरी कोई और नहीं, मतलब आपका एक रैम मेमोरी का ही पार्ट होता है, जिसे कैच मेमोरी कहा जाता है। कैच मेमोरी बहुत ही फास्ट होता है, जो कि दोनों के स्पीड को मैनेज करता है, सिंक्रोनाइज करता है। कैच मेमोरी इज ए टाइप ऑफ रैम कॉल्ड एस रैम, यानी स्टैटिक रैम। कैच, अभी जस्ट हमने आपको बताया था कि कैच मेमोरी एक रैम का ही टाइप्स है, जिसे एस रैम कहा जाता है।
इस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैम, यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम दो प्रकार के होते हैं, डी रैम और एस रैम। तो ये एस रैम होता है जो कि बहुत ही फास्ट होता है, जिसे कैच मेमोरी के लिए यूज किया जाता है। इट इज द हाई स्पीड मेमोरी एंड ऑफ लेस स्टोरेज देन द अनदर टाइप ऑफ रैम इज डी रैम।